चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है? दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है। दूसरे में आप बोलोगे सर यहाँ पे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, और तीसरा पॉइंट बोलना है ए और बी की वैल्यू हमें ढूंढनी है। और बच्चा क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते समझते और उसके बाद आगे ले जाते। चलो तो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दो वेरिएबल ढूंढना है। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज अ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोला हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि ये इसका होगा क्या ए वन अपॉन ए टू, इसकी कंडीशन। आप बोलोगे सर बी वन अपॉन बी टू, और आप बोलोगे सी वन अपॉन सी टू। ये तीनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, सेम वे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बच्चा अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे ए वन जो है हमारा टू, सेम वे ए टू बच्चा आप बोलोगे ए माइनस वन, सेम वे बी वन जो है वो हमारा है थ्री, बी टू हमारा बोला जाएगा ए प्लस वन। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं सी वन। अब बच्चे यहाँ पे जो सी वन है ना वो प्रॉपर नहीं लिखा, ये दूसरी साइड होना चाहिए कुछ इस तरह टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। ध्यान यहाँ ये रखना है कॉन्स्टेंट टर्म जो होगी वो कौन सी साइड होनी चाहिए, दोनों राइट हैंड साइड या दोनों लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड इनको कर दिया, तो सी वन जो हमारा बन जाएगा सेवन, और सी टू जो है थ्री ए माइनस वन, थ्री ए माइनस वन। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्लियर। और उसके बाद बच्चा अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ए वन जो है वो टू अपॉन ए माइनस वन, बी वन की जगह आप बोलोगे सर बी वन की जगह थ्री, और बी टू की जगह ए प्लस वन। सेम वे आगे चलते हैं सेवन और थ्री ए माइनस वन। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा अब आगे क्या करना है, तो एज यूजुअल बच्चा बोलेगा सर हम कंपेयर करते हैं पहले ये दोनों को, एज यूजुअल उसमें से एक इक्वेशन आ जाएगा और दूसरे इक्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा, तो दूसरे इक्वेशन में हमें मिल जाएगा हमारा बी। बच्चा यहाँ डायलॉग सर बोल रहे हैं दो वेरिएबल, लेकिन ये सब में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमें एक ही वेरिएबल दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक वेरिएबल को कंपेयर करके आंसर लाएंगे। तो चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे टू अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री ए माइनस वन। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा टू इंटू थ्री ए माइनस वन, और यहाँ पे आप बोलोगे सेवन इंटू ए माइनस वन, तो यहाँ पे होगा सिक्स ए, और यहाँ पे आप बोलोगे टू। सेम वे यहाँ पे सेवन ए माइनस सेवन, यहाँ पे बच्चा लिखना स्टार्ट करते हैं। सेवन ए है तो यहाँ पे हमने सेवन ए लिखा, दूसरी साइड जाएगा सिक्स ए। सेम वे यहाँ माइनस टू एज इट इज प्लस सेवन। क्लियर? तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये इसका आंसर होगा फाइव, और इसका वैल्यू जो है ए का आ जाएगा फाइव। क्या आ जाएगा बच्चा? फाइव। अब बच्चा बोलेगा सर हमें कंपेयर करना है ये दोनों के साथ भी, ये दोनों भी कंपेयर करते हैं देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, वो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर थ्री अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री ए माइनस वन। कंपेयर करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपने थ्री इंटू थ्री ए माइनस वन, और यहाँ पे आप बोलोगे सर सेवन इंटू ए प्लस वन, मल्टीप्लाई करते हैं नाइन ए, और आप बोलोगे सर थ्री, यहाँ पे आप बोलोगे सेवन ए प्लस सेवन, यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे नाइन ए, और यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने क्या लिया, तो सेवन ए, दूसरी साइड जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। सेम वे ये सेवन है प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये टेन हो जाएगा, और ये टू ए हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू टेन बाई टू, तो ए का आंसर आ जाएगा फाइव। है सिंपल? सिंपल पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो हमने एक वेरिएबल का हमने जो आंसर था वो हमने ढूंढ लिया। जरूरी नहीं है कि हर एक बार दो वेरिएबल है, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो कॉमन नौ क्वेश्चन के लिए लिखी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वो बोला है, वो ध्यान रखना। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।